बिल्कुल साफ और बिल्कुल। हमारा मकसद तो ऑर्गेनिक करना था। टेस्टिंग करते हैं तोरी की। देखिए दोस्तों, आज हम आपको तोरी और अमरूद पर वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि हर समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज आपको बड़ा ही मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग किंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको अपने बगीचे का टूर कराते हैं और आज हम हार्वेस्टिंग करते हैं तोरी की। ये यहाँ से यह तोरी देखिए कितनी ग्रीन है। और अब हम तोरी हार्वेस्ट करते हैं। और काफ़ी तोरी है आज के लिए। इस पर छोटा साइज भी है, इस पर बड़ा साइज भी है, इससे बड़ा, और ये इससे बड़ा, और इससे भी बड़े अमरूद हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आपकी नज़र जाएगी, काफ़ी ऊंचाई पर है। और हम हार्वेस्टिंग करते हैं कुछ अमरूदों की। यह देखिए, यह अमरूद पक चुका है। कितना कितना साफ सुंदर अमरूद है। यह देखिए, बिल्कुल आराम से यह टूट चुका है और बड़ा ही अच्छा अमरूद है। ये बिल्कुल पक चुका है। जब हम इसको दबाते हैं तो यह बिल्कुल आसानी से दब जाता है। यह बिल्कुल, इसे हमारी देसी भाषा में पिलपिला कहते हैं, क्योंकि इसको मैं एक हाथ से ही अच्छी तरह फोड़ सकता हूँ। और अब देखिए, दूसरा अमरूद भी इसके पास ही है, इसको भी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। यह देखिए कितना अच्छा अमरूद है, फुल न्यूट्रिशन है इसमें, बहुत ज़्यादा मात्रा न्यूट्रिशन की है। देखिए, दिखाता हूँ आपको, इतने अमरूद हैं, अगर आप एक पौधा भी लगाएंगे तो आपके पास अमरूदों की कोई कमी नहीं। और यह तो बारहमासी अमरूद चलते हैं। अब तो सीजन है, सीजन में कुछ ज़्यादा ही अमरूद आएंगे। और वैसे ये देखिए कितना अच्छा अमरूद है, कितना बड़ा साइज है, पक चुका है। और यहाँ पर हमने कुछ घोंसले भी लगाए हैं, यह देखिए, ताकि कोई पक्षी आए, कोई भी पक्षी आए, या चिड़िया या तोते वगैरह, तो जैसे ये खाकर जाते हैं। देखिए, यह पुन का भी काम है। हमारे छोटे से बाग में काफ़ी पक्षी आते हैं और इन अमरूदों को खाकर जाते हैं। और ये अमरूद नीचे भी गिर चुका है, ज़्यादा पक चुका है। यहाँ पर पक्षियों का भी भोजन भरपूर मात्रा में है। देखिए कितने शानदार अमरूद हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये देखिए, तो कैसे लगे अमरूद, यह देखिए, बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊंगा आपको। और इसकी भी हार्वेस्टिंग करते हैं, कितना पक चुका है ये। यह देखिए दोस्तों, आपको दिखाने का प्रयास इसलिए करता हूँ क्योंकि आप भी ऑर्गेनिक करें। हमारे सब अमरूद या दूसरे फ्रूट जो भी हमने लगाए हैं, सब ऑर्गेनिक हैं। और कुछ हमने इस साल भी लगाए हैं
जैसे जैसे अगले साल उन पर भी फ्रूट आएगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। आज अमरूद दिखाते हैं आपको, इसकी हर टहनी पर अमरूद है। यह देखिए कितने बड़े बड़े अमरूद हैं, इतने बड़े बड़े अमरूद आपको अपने घर या अपने खेत में मिल जाएं तो बात ही कुछ और है। शाम का समय है, बड़ी शांति है यहाँ पर, और मैं आपको देखिए अब मैंने नॉर्मल किया है, अब इसको मैं जूम करूँगा। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको जूम करूँगा तो इस अमरूद को आप बिल्कुल करीब से देख पाओगे। मेरा मकसद ये है आपको दिखाने का, ताकि आप अमरूद का एक पौधा लगाएं और उसमें थोड़ा बहुत आप गोबर खाद वगैरह ऑर्गेनिक में जो भी डाल सकते हैं वो डालें, और ना भी डालेंगे तो भी आपको अमरूद मिलेंगे। इस अमरूद की खासियत ये है, यह अमरूद बारहमासी अमरूद है और देसी अमरूद है। हम तो लाए थे इसको इसलिए भी ताकि जब हमने यह पौधा 3 साल पहले लगाया और पहले साल से ही अमरूद इस पर आने शुरू हुए, और अब 3रा साल है, देखिए आपके सामने है, यह देखिए 3रा साल है और कितने अच्छे अमरूद हैं। तीसरे साल में आपको भरपूर अमरूद मिलेंगे। और इस अगर मैं दिखाऊं इस पौधे में, मैं इस तरह फंसा हूं कि मुझको खुद भी बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप प्रकृति से प्यार करोगे, अगर आप हरियाली से प्यार करोगे, आप पौधों से प्यार करोगे तो आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी और आपका मेंटली हेल्थ बड़ी सही रहेगी, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। ये देखिए कितना प्यारा अमरूद है, इसको भी अगर हम हार्वेस्ट करेंगे कितने आराम से कर सकते हैं। ये देखिए इसको ना झटका दिया ना कुछ, सिर्फ अमरूद पकड़ा और थोड़ा सा इसको खींचा और अमरूद हाथ में। तो कैसा लगा आपको यह दृश्य, और जो आपको अमरूद ये बिल्कुल साफ़, और हमारा मकसद तो ऑर्गेनिक करना था और ऑर्गेनिक में हमने किया, पर बाढ़ आई, बाढ़ में हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ इस साल। यह देखिए आज तोरी की हार्वेस्टिंग और अमरूद, कितने ज़्यादा अमरूद हमने इकट्ठे किए हैं देखिए। ठीक है दोस्तों, यह आज की हार्वेस्टिंग कैसी लगी ज़रूर बताएं। अमरूद और तोरी आपको दिखाया ऑर्गेनिक में, धन्यवाद।